कि बस पीते ही रहो, पिबत भागवतम रसम आलयम, मुह रहो रसिका भुवि भाव का। पीते ही रहो अहर्निश, एक बार दो बार दस बार पचास बार नहीं, जीवन पर्यंत जब तक तुम्हारी आखिरी सांस है तब तक गोविंद की कथा के रस का पान करते रहो। और यही तो वास्तव में गोपी भाव है। गोपी क्या है? गोभी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी ही। माने इंद्रियों का एक समूह। इंद्रियों का समूह कहाँ है? इंद्रियों का समूह हर जीव का अपना शरीर ही तो होता है। इंद्रियां कहाँ रहती हैं? गोभी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी ही। तो भगवान श्री कृष्ण के रस का, उनकी कथा के रस का जो अपनी संपूर्ण इंद्रियों से जीव पान करता है, वो चाहे नर हो या नारी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वास्तव में भगवान की गोपी है। तो प्रेम से बोलो राधे। भगवान की कथा श्रवण कर लेने से हमारे अंदर के अहम का नाश होता है, अहंकार की निवृत्ति होती है, हृदय का शुद्धिकरण होता है। हमारे जीवन में और हमारे अंदर सहजता, सरलता, नम्रता, विनम्रता आती है। देखो एक छोटा सा आपको दृष्टांत श्रवण कराएं। नदियां तो सागर के पास जाती हैं, वो तो हमेशा उसे जल प्रदान करती रहती है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, तो देखो नदियां हमेशा अपने प्रियतम सागर के पास जाती हैं। एक बार क्या हुआ कि एक नदी ने सागर से कहा, हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपकी कृपा से मेरे अंदर इतना बल है, मेरे अंदर इतना वेग है, मेरे अंदर इतना पराक्रम है कि आप कहो तो मैं संसार से आपको कोई भी घर मकान, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी बड़े से बड़ा वृक्ष उखाड़ करके ला करके दे सकती हूँ। आप संसार की जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ मेरे से मांगोगे मैं आपको ला करके दे दूंगी। माने मैं ला करके दे दूंगी। सागर से नदी कह रही है। सागर समझ गया कि इसे अपने वेग के ऊपर थोड़ा गर्व हो गया है, क्योंकि कई बार जब बहुत भयंकर बारिश होती है तो नदी में इतना वेग होता है कि किनारे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं, बड़े बड़े कटाव पड़ जाते हैं, बड़े बड़े दरखत, बड़े बड़े रूख पेड़ उखड़ करके नदी में ऐसे बह जाते हैं जैसे नाले में पत्ता बह रहा हो। सागर तो समझदार है। सागर ने कहा कि हे नदी, तुम ऐसा करो, मुझे वैसे संसार के किसी पदार्थ की, वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब तुम कह रही हो कि आप जो कहोगे वही मैं आपको ला करके दे दूंगी, तो ठीक है, तुम मेरे लिए कल थोड़ी सी घास उखाड़ करके ले आओ, थोड़ी सी घास, एक मुट्ठी में जितनी आ जाए। अरे महाराज, लो ये भी कोई बात, कितनी दुनियादारी का सामान बहा करके ले जाती हूँ, बड़े बड़े पहाड़ पत्थर बहा करके ले जाती हूँ, और इतनी सी घास, उसमें कितना वजन होता है, ये तो मेरे लिए ऐसे चुटकियों का काम है। अरे देवी, आप ला करके तो देना। तो नदी ने कहा, ठीक है महाराज,
आप कल की बात कर रहे हो, मैं आपको आज और अभी और इसी वक्त घास उखाड़ करके ला करके दे देती हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि नदी के बीच में भी घास उपज जाती है, कई बार किनारों में बहुत सारी घास उपज जाती है। अब नदी ने घास उखाड़ने के लिए अपने प्रवाह को थोड़ा तीव्र किया, थोड़ा तेज किया, लेकिन घास नहीं उखड़ी। और ज्यादा तेज किया, फिर भी घास नहीं उखड़ी। और ज्यादा भयंकर तेज किया, दुनिया भर की बिल्डिंगें उखड़ गई, मकान उखड़ गए, जमीन में कितना कटाव पड़ गया, बड़े बड़े पीपल, बड़े बड़े बरगद, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ करके बह गए, लेकिन घास नहीं उखड़ी। अब तो नदी का सिर चकरा गया कि हे भगवान, सबसे छोटी चीज घास, अरे घास की क्या औकात है, घास की क्या हैसियत है, घास नहीं उखड़ रही है। बेचारी थक गई, जोर लगा लगा करके पसीना पसीना हो गई, लेकिन घास नहीं उखड़ी। और आखिरकार सुबह से शाम हो गई, जब सागर ने पूछा कि देवी घास कहाँ है, तो देवी ने जवाब दिया, महाराज मुझे माफ करना, मैं हार गई, मैं आपको घास ला करके नहीं दे पाई। तो तात्पर्य क्या है ये समझना है। तात्पर्य ये है कि बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन कई बार बहुत छोटा सा जीव, एक बहुत छोटा सा भगवान का भक्त, जिसके अंदर सहजता है, नम्रता है, विनम्रता है, सरलता है, घास के अंदर क्या है भाई। जो जितने ज्यादा बड़े होते हैं ना, वो पत्थर की तरह उतने ही कठोर हो जाते हैं। उनके अंदर थोड़ा सा अहंकार होता है, उनके अंदर थोड़ा अविवेक होता है, इसलिए वो नदी में बह जाते हैं प्रवाह के साथ। लेकिन घास भले ही छोटी है, सबसे जमीन में रेंगने वाली, जमीन में रहने वाली है, आसमान को नहीं छूती, लेकिन घास के अंदर सहजता है, घास के अंदर सरलता है, घास के अंदर नम्रता है, घास के अंदर विनम्रता है। जैसे ही नदी अपना वेग बढ़ाती है तो खड़ी हुई घास जो है झुक जाती है और जल ऊपर से निकल जाता है, लेकिन नदी का वेग जो है घास को उखाड़ नहीं पाता। तो यही सीखना है हमें श्रीमद् भागवत से, जिसके जीवन में घास जैसी नम्रता है, सहजता है। महाराज मैं आपसे हार गई और मैं समझ गई, मेरा अहंकार दूर हो गया, तो कितनी शिक्षा प्रद बात है। पता नहीं मेरे सदगुरुदेव के चरणों में ऐसी कौन सी सामर्थ्य है, न जाने ऐसी कौन सी कृपा है। मैं जितना इन चरणों में झुकता हूं उतना ही ऊपर जाता हूं। और कई बार हम लोग मूर्खतावश कहो या उद्दंडतावश कहो, वास्तव में हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, हम लोग होते कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत कुछ मानते हैं। इसलिए इस आध्यात्मिक जगत में अपने आप को बिल्कुल घास की तरह सहज बना करके हर जगह नम्रता से विनम्रता से काम लिया जाए तो सारी दुनिया बह जाएगी, लेकिन तुम बच जाओगे। जैसे घास बच गई लेकिन नदी का वेग उसे उखाड़ नहीं पाया। तो प्रेम से बोलो राधे। श्रीमद् भागवत की कथा बहुत ही सुंदर है, यही शिक्षा हमें प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत कथा में
भगवान गोविंद की, श्रीमन नारायण की, भगवान श्री हरि की वृत्तासुर ने बड़ी अद्भुत स्तुति करी है। क्या अद्भुत स्तुति है वृत्तासुर की। किशोरी श्री राधिका रानी की कृपा है वृत्तासुर के जीवन में, और जिसके जीवन में राधिका रानी की कृपा हो जाए, बरसाने वाले की कृपा हो जाए, तो भगवान तो उसके जीवन में आएंगे ही। देखो वृत्तासुर भगवान की कितनी सुंदर स्तुति कर रहा है। बिल्कुल वृत्तासुर जैसा भाव हम लोगों का भी होना चाहिए भगवान के प्रति। अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय। मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते, ग्रणीतवा कर्म करो तुकाय। ग्रणीतवा कर्म करो तुकाय, अहम हरे तव पादैक मूलः। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, वृत्तासुर ने भगवान की ऐसी अद्भुत स्तुति करी जो आज तक कोई नहीं कर पाया। ऐसा अद्भुत आखिरकार इस स्तुति में है क्या, वही हमें दो चार पांच मिनट में समझना है। देखो वृत्तासुर कह रहा है कि अहम हरे तव पादैक मूलः, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दीनानाथ, आपके चरणों की सेवा कर पाऊं, आपकी पूजा कर पाऊं, आपकी स्तुति कर पाऊं, इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर तो नहीं है। मैं आपका दास बनके आपकी सेवा कर पाऊं, इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। लेकिन हे गोविंद, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपसे केवल एक ही वरदान मांगना चाहूंगा कि दासानुदासो भवितास्मि भूयः, माने तुम्हारी जो सेवा करते हैं, तुम्हारी जो पूजा करते हैं, तुम्हारी जो अर्चना वंदना करते हैं, ऐसे दासों का आप मुझे दास बना दीजिए। और मेरी कोई कामना नहीं है और मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप मुझे अपना दास मत बनाइए, क्योंकि आपका दास बनने के लायक, आपके चरणों की सेवा करने के लायक तो मैं हूं ही नहीं। लेकिन हे गोविंद, कम से कम इतनी कृपा तो कर दीजिए कि आप अपने दासों का दास, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते, यदि मैं आपके दासों की सेवा करूंगा, यदि मैं आपके दासों का चिंतन करूंगा, तो आपके दास आपकी सेवा करेंगे। भगवान बोले, यार बड़ा चालाक आदमी है। अब इसमें चालाकी की कौन सी बात है, इस पे भी हमें विचार करना चाहिए। वृत्तासुर ने कौन सी चालाकी खेली भगवान से। भगवान की सेवा करना और भगवान के दास की सेवा करने में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, क्यों नहीं है। अब जैसे मान लो बिजली का तार है, उसमें बिजली आ रही है, आ रही है कि नहीं। अब बिजली से ही तो चल रहा है ये, हाँ तो कर दिया करो, आ रही है कि नहीं, आ रही है। तो बिजली का तार मान लो हमने पकड़ लिया, अब हमें करंट लगा, हम छटपटाने लगे, आपने हमको पकड़ा,
आपने हमको पकड़ा तो समझ लो कि हमारा करंट आधा हो जाएगा और हमसे डबल करंट जो है आपको लगेगा। यदि हमारी बात पर विश्वास न हो तो प्रैक्टिकल करके देखो। ऐसा बिजली वाले बताते हैं, वैसे हमने प्रैक्टिकल किया नहीं है, कि जिसको बिजली ने पकड़ा है या जिसने बिजली को पकड़ा है, यदि उसे कोई पकड़ ले तो उसे उससे भी डबल झटका लगता है, डबल करंट लगता है। तो वृत्तासुर कितना चालाक है। वृत्तासुर जानता है कि यदि किसी ने भगवान को पकड़ा है, यदि कोई भगवान का दास है, वो मेरी पकड़ में आ जाए, उसके चरणों की सेवा मुझे मिल जाए, उसकी दासता मुझे मिल जाए, तो मुझे तो उससे भी ज्यादा कृपा भगवान की प्राप्त होगी। तो भगवान को छोड़ो, भगवान भले ही तुम्हारी पकड़ में ना आए, भले ही तुम्हारे अनुभव में ना आए, बड़ी बात नहीं है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में रहने वाले, बरसाने में रहने वाले, रमण रेती में रहने वाले, ब्रजभूमि में रहने वाले, या कहीं भी रहने वाले जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के दास हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आप उनके चरण पकड़ लीजिए, आप उनकी सेवा करिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसा अद्भुत चमत्कार होता है, आपके जीवन में क्या आनंद की अनुभूति होती है। तो वृत्तासुर ने भगवान से दासानुदास माने, यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपका कोई दास है उसका मुझे दास बना दे, तो कोई बात नहीं, उसका जो दास हो, उसका जो दास हो, उसका जो दास हो, माने एक हमारे चेला बाबूलाल जी, बाबूलाल जी के चेला फिर संजय जी, संजय जी के चेला धर्मेंद्र जी, और धर्मेंद्र जी के चेला ये सोनी जी, और फिर जम्मू वाले, और आगे तो माने उनका जो सबसे पीछे बैठे ना, अरे उनकी सेवा मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि यदि तार हमने यहां से पकड़ रखा है तो करंट वहां तक जा रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल हमें ही मिल रहा है, वो चैन बनी हुई है, और सबसे ज्यादा करंट उसे ही मिलेगा जो सबसे लास्ट में जुड़ा होगा कड़ी में, सबसे ज्यादा झटका, सबसे ज्यादा करंट उसे मिलेगा। तो वृत्तासुर ने भगवान की ऐसी अद्भुत स्तुति करी, हे प्रभु ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समञ्जस त्वा विरहय कांचे समञ्जस त्वा विरहय कांचे वृत्तासुर ने भगवान से कहा कि हे निखिल सौभाग्य निधे, हे गोविंद, हे गोपाल, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे वैकुंठ चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए, न मुक्ति चाहिए, और ना ही मुझे किसी प्रकार की कोई धन संपदा चाहिए, और ना ही सार्वभौमम नरसाधिपत्यम, मुझे संसार का किसी प्रकार का कोई रस नहीं चाहिए, और मुझे सार्वभौम संपत्ति भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, क्या पागल हो गया, जब तुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर मांग क्या रहा? अरे कुछ तो चाहिए। बोले नहीं प्रभु, मुझे न योग चाहिए,
न सिद्धि चाहिए, न कोई चमत्कार चाहिए। बोले तो फिर चाहिए क्या? तो देखो कितनी सुंदर बात कही। समंजस त्वा विरहै कांछे। हे गोपाल, हे गिरधारी, जो विरह, जो वेदना, जो प्रेम आपने ब्रज की ब्रजांगनाओं को प्रदान किया, जो तुम्हारी याद में, तुम्हारे विरह में दिन रात तड़पती है, तुम्हें याद करती है, वो अपना विरह, अपनी याद, अपना स्मरण मुझे प्रदान कर दो। क्योंकि विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णोः संपन्न नारायण स्मृतिः। वास्तव में विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संसार की संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपद विस्मरणं विष्णोः। संसार में रह करके भगवान श्री हरि को ही भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान गोविंद की याद बनी रहे यही जीव की सबसे बड़ी संपत्ति है। इससे बड़ी और कोई संपत्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोए जानिए जाके राम नाम धन होय। भैया संसार में जो धन संपदा आपको मिली है, हमें मिली है, या तो ये धन संपदा हमें छोड़ करके चली जाएगी या हम इसे छोड़ करके चले जाएंगे। क्योंकि ये सच्ची धन संपदा नहीं है। सच्ची धन संपदा तो केवल तुम्हारे सामने विराजमान है, यही श्रीमद् भागवत भगवान, यही बांके बिहारी, रमण बिहारी, और बरसाने में बैठी हमारी किशोरी श्री राधिका रानी, यही वास्तव में सच्ची धन संपदा है। बोले और क्या चाहिए? बोले प्रभु केवल आपका विरह चाहिए। इतना आसान नहीं है। भगवान तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं। भगवान कह रहे हैं भैया सार्वभौम ले ले। सार्वभौम जानते हो? संपूर्ण त्रिलोकी। संपूर्ण त्रिलोकी में जो कुछ भी है, तू पूरी त्रिलोकी का राजा बन जा, महाराजा बन जा, सारी त्रिलोकी तीनों लोक तेरे अधीन कर देता हूं। बोले नहीं प्रभु, मुझे तीनों लोक, सार्वभौम राज्य इत्यादि नहीं चाहिए। मुझे केवल आपकी याद चाहिए, मुझे केवल आपका विरह चाहिए। क्योंकि आपकी याद में जब ये शरीर गदगद होता है, आपका हृदय में आगमन होता है, तो उस समय कितने आनंद की अनुभूति होती है, वो शब्दों के माध्यम से तुम्हें बताई नहीं जा सकती, दिखाई नहीं जा सकती। कितना आनंद आता है भगवान की विरह वेदना में, भगवान की विरहाग्नि में जलने में कितना आनंद है, कैसी मस्ती है। ये तो उन रसिकों से पूछो जो रसिक इसका आनंद लेते हैं। समंजस त्वा विरहय कांछे। अजात पक्षा इव मातरं खगा, स्तन्यं यथा वसतरा क्षुधारता, प्रियं प्रियेव व्युसितं विसन्ना, मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वां। देखो वृत्तासुर यहां पर तीन दृष्टांत दे करके भगवान को समझा रहा है।
हे प्रभु मैं क्या करूँगा, सार्वभौम राज्य लेकर के संपूर्ण त्रिलोकी को लेकर के बड़ी दुनियादारी मैंने देख ली, बड़ा मेरा अनुभव है, बड़ा ही मेरा प्रैक्टिकल है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, जो आनंद आपकी याद में, जो आपके विरह में आता है, वो आनंद वास्तव में संसार में किसी भी वस्तु किसी भी पदार्थ में नहीं आता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तू बता तुझे क्या चाहिए। तो भगवान से कह रहा है कि अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे कोई अभी जन्मा हुआ कोई पक्षी का बच्चा हो जो पेड़ पर घोंसले में बैठा हो और उसकी माता उसके भोजन की खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए कहीं कीड़े मकोड़े इकट्ठे करने के लिए गई हो, तो ऐसी स्थिति में अजात पक्षी माने छोटा सा बालक निरंतर अपनी माता का चिंतन करता है कि मेरी मैया कब आए। क्यों? क्योंकि उसे डर है कहीं कोई चील न उठा करके ले जाए, कहीं कोई कौवा आकर के न खा जाए, कहीं कोई और बिल्ली इत्यादि पेड़ पर चढ़ जाती हैं, बच्चों को अंडों को खा जाती हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई वो अपनी मैया का चिंतन तो कर रहे हैं लेकिन वो भी स्वार्थवश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय है, मरने का डर है कि हम मर जाएंगे, इसलिए माँ का होना बहुत जरूरी है। तो भले ही डर से सही लेकिन स्मरण तो हो रहा है, याद तो हो रही है, याद तो आ रही है भगवान की, भले ही भय से सही। कामाद क्रोधाद भयाद स्नेहाद, भले ही काम से भजो भगवान को, कोई कामना लेकर के भजो, भले ही भगवान के ऊपर क्रोध करके भगवान को भजो, भले ही संसार के किसी भय के कारण भगवान को भजो, और नहीं तो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है स्नेहाद माने भगवान को प्रेम से स्नेह से आप लोग भजो। एक और दृष्टांत दिया वृत्तासुर ने, बोले स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदारता, माने जैसे कोई नवजात गैया का बछड़ा है और गैया चरने के लिए जंगल में चली गई उसकी मैया, तो अब बछड़ा बेचारा जैसे ही उसे एक दो घंटे बाद भूख लगती है तो फिर उसे अपनी मैया की याद आने लगती है और छटपटाने लगता है भूखा प्यासा, फिर वो निरंतर अपनी माँ को याद करता है। जब तक उसकी माँ आ नहीं जाती तब तक वो हमेशा उसका चिंतन करता है, उसका स्मरण करता है। तो हे प्रभु मुझे ऐसे आपकी याद आए। एक और उदाहरण दिया, बोले मुझे आपकी याद ऐसे आए जैसे किसी प्रिया का पति कहीं विदेश में चला जाए और वो प्रिया उसे निरंतर अपने ध्यान में रखते हुए अपने स्मरण चिंतन में रखते हुए उसको याद करे, मुझे आपकी ऐसे याद आए। तो ऐसे वरदान भगवान से, ऐसी कामना भगवान से हम लोगों को करनी चाहिए। संसार की क्या कामना करें भगवान से, संसार का क्या मांगे भगवान से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मंदिर में जाकर के, हम लोग क्या मांगते हैं भगवान से, साधु संतों से महापुरुषों से, आप सब लोग जानते हैं हम लोग क्या मांगते हैं। हम लोग संसार ही मांगते हैं, संसार का ही सब कुछ मांगते हैं, ऐसा कुछ आध्यात्मिक जगत का कुछ अलौकिक तो मांगते ही नहीं कभी। एक बार एक पति पत्नी, पति थोड़ा अलग टाइप का था,
लेकिन पत्नी से कुछ नहीं कहता था। पति चाहे संतों के पास जाए, ब्राह्मणों के पास जाए, वृंदावन जाए, हरिद्वार जाए, ऋषिकेश जाए, रोज मंदिर जाए, दिन भर पूजा करती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो स्वयं कुछ नहीं करता था, वो दिन रात बस कमाने खाने में लगा रहता था, अपनी दुकानदारी, अपना बिजनेस, अपना धंधा। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे सामने बैठी है गुड़गांव की रहने वाली श्रीमती रजनी देवी, तो बिल्कुल ऐसे ही पति था। एक दिन पत्नी ने कहा, यार तुम भी कुछ पूजा वूजा कर लिया करो, दिन भर सुबह से लेकर के और रात तक लगे रहते हो ये संसार के चक्कर में, दुनिया भर का पैसा कमा लिया, क्या छाती पे रख के ले जाओगे, क्या करोगे, कुछ मंदिर मंदिर जाया करो, सुबह उठ करके नहा धो करके भगवान को जल चढ़ाओ, भोले बाबा को प्रसन्न करो, थोड़ा सद्बुद्धि आए, कितना पैसा कमाएंगे, क्या करेंगे पैसे, इतनी उम्र हो गई। तो पति ने जवाब दिया कि मंदिर जाकर के क्या मिलेगा भाई। बोले अच्छा, तो तुमको मतलब मिलने से मतलब है? तो बोले हाँ मुझे तो मिलने से मतलब है, दुकान पे जाता हूँ तो नोट मिलते, बिजनेस पे जाता हूँ माथा मारता हूँ, 4-6 घंटे कहीं बर्बाद करता हूँ बैठता हूँ तो नोट मिलते, तुम्हारे मंदिर में जाकर के जल चढ़ाने से, पूजा करने से, आरती करने से, अर्चना वंदना करने से क्या मिलेगा। बोले देखो वहां जाके नोट तो नहीं मिलते लेकिन शांति मिलती है। तो पति थोड़ा दूसरे टाइप का था, तो बोला अच्छा शांति मिलती है? बोले हाँ शांति मिलती है। रोज? बोले हाँ रोज मिलती है। तो बोले ठीक है। तो अगली मॉर्निंग, अगली सुबह पति को जल्दी उठाया पत्नी ने, और उठा करके कपड़े वपड़े पहनवाए और भेज दिया सुंदर सजा करके मंदिर। अब देखो पति ही मंदिर के गेट पर पहुंचा और वहां सुबह सुबह बहुत सी माता बहनें, आप सब जानते मंदिरों में पूजा करने के लिए जाती ही हैं, तो बहुत सारी माता बहनें आईं, तो एक दो उसकी जान पहचान की भी निकल गई वहाँ। अब जब जान पहचान की कोई मिल जाए कहीं तो फिर चार बातें तो होती ही हैं। तो सुबह सुबह का एकदम शांत माहौल था, कोई आपाधावी तो थी नहीं कि कहीं जल्दी जल्दी जाना है, अब दफ्तर तो जाना है 10 बजे, अब पहले तो उठते थे 9 बजे, 1 घंटे में तैयार हुए और भाग गए। अब पत्नी ने उठा दिया 6 बजे, 1 घंटे में तैयार हो गए, अब 7, 8, 9, अभी 3 घंटे पड़े हुए हैं, अब क्या करें। तो 3 घंटे बाहर खड़े होकर के मंदिर के गेट पर दुनिया भर की गप मारी, जो भी जान पहचान की आ रही है अब उसे तो बड़ी शांति मिल रही है, वो तो जाने के लिए तैयार नहीं मंदिर की, मंदिर में अंदर तो गया ही नहीं, मंदिर के मेन गेट पर ही खड़े होकर के दुनिया भर की बातें की। और जब समय हो गया तो फिर घर आया, तो पत्नी ने कहा यार आज पहली बार तुम्हें भेजा और इतनी लंबी चौड़ी पूजा करके आए हो, मैं तो सोचती थी कि तुम बड़े नास्तिक हो। अच्छा एक बात बताओ, आपको सच बताना, मंदिर जाने से आपको शांति मिली? अरे भगवान मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि मंदिर जाने से ऐसी शांति मिलती है, यदि मुझे पहले पता होता तो मैं तो शादी से पहले ही मंदिर जाना शुरू कर देता, और अब तक इतनी शांति से मैं वंचित रह गया, ये तो मेरा दुर्भाग्य है। अब तू चिंता मत कर, आज तो तूने मुझे 6 बजे उठाया, कल से 5 बजे उठा देना, मैं रोज डेली मंदिर जाया करूंगा शांति लेने, बहुत शांति मिली। एक तो वो अमुक मोहल्ले वाली शांति मिली,
अब जैसे ही उसने कहा कि अमुक मोहल्ले वाली शांति मिली, पत्नी की तो एकदम खोपड़ी खिसक गई। पत्नी तो पहले सोच रही थी कि इसको वास्तव में ही शांति मिली। अब पत्नी ने फिर क्या, आप सब लोग जानते हैं, फूल वाली झाड़ी झाड़ू उल्टी पकड़ ली और ले करके दे झाड़ू बोले ले मैं दूंगी तुझे शांति, अब जइयो मंदिर। तो हम लोग मंदिर भी जाते हैं तो हमें बाहर की शांति चाहिए, अंदर की शांति नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर की शांति तो अंदर जाकर के मिलेगी। अंदर की शांति तो तुम्हें भगवान के दर्शन से मिलेगी, अंदर की शांति तो गोविंद प्रदान करेंगे। ऐसे बाहर से यदि हम लोग सोचते रहें कि हमें शांति मिल जाए, तो बाहर से तो केवल और केवल बाहर वाली शांति मिलेगी, जो मोहल्ले में रहती हैं, अड़ोस पड़ोस में रहती हैं, वही शांति मिलेगी। अंदर वाली शांति तो तुम्हें अंतर्मुख होकर के राधा रानी किशोरी जू को अपने जीवन में लाने से ही मिलेगी, क्योंकि राधा रानी की कृपा से ही वास्तव में अंदर वाली शांति आती है। तो प्रेम से बोलो राधे। बड़ा सुंदर सा भाव है हमारी बरसाने वाली का।